हेलो एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा। जैसे कि आपने नीचे पढ़ा, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ आप अपने हेयर को लॉन्ग करने के लिए बहुत ही ज्यादा बूस्ट प्रोटीन कैसे दे सकते हैं, जो कि आपको खाना नहीं है, इनटेक नहीं करना है। साथ के साथ ही बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होती है कि प्रोटीन यूज नहीं कर पाते हैं और कुछ ऐसा अप्लाई नहीं कर पाते हैं, बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है ऐसा प्रोसीजर जो कि आप यूज नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए आप डायरेक्ट प्रोटीन अपने हेयर में अप्लाई कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अच्छी सी अपडेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की रेमेडी के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ एग। आप अपने लेंथ के हिसाब से एग लें 2। मैंने यहाँ पे 6 लिया है क्योंकि मेरे हेयर बहुत ज़्यादा लंबे हैं। इसमें से सारा जो भी एक्सट्रैक्ट है कर लिया है यहाँ पे मैंने, और बोल में इकट्ठा कर लिया है। मैं आपको बता दूँ, एग बहुत ज़्यादा रिच होता है प्रोटीन में, इसलिए मैं इसको अप्लाई करती हूँ अपने हेयर में डायरेक्टली। इसमें बायोटीन होता है जो कि आपको पता होगा हेल्दी होता है बहुत ज़्यादा हेयर के लिए। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ हनी। हनी इसमें ऐड करूंगी मैं 1 स्पून, और 1 स्पून हनी को इसमें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी मैं यहाँ पे हनी को ऐड कर देती हूँ और अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। ये हनी यहाँ पे मैंने लिया है क्योंकि ये एग के साथ मिलके बहुत ही ज़्यादा हेयर को सिल्की एंड स्मूथ करेगा। जब मैं अपने वॉश्ड हेयर आपको दिखाऊंगी तब आप फील करेंगे कि उसमें एक अलग तरीके का शाइन आपको देखने को मिलेगा। एंड साथ के साथ ही ये जो मेरा रेमेडी मेरे हेयर पे असर करेगा वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, डैमेज फ्री करता है हेयर। अभी मैं इस रेमेडी को यहाँ पे अप्लाई कर लूँगी। यहाँ पे ये जो मेरे हेयर हैं मैंने इनका छोटा छोटा सेक्शन लिया है ताकि मैं इसमें आराम से इसको अप्लाई कर सकूँ। इस रेमेडी को अप्लाई करने के लिए मैं छोटे छोटे सेक्शन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो प्रोटीन है एग में, बायोटीन और जितने भी चीज़ इसमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स और सब कुछ है वो मेरे हेयर में डायरेक्ट सूद हो जाए और वो हेयर में डायरेक्ट जाए। उसके बाद मैं इसको पूरा अप्लाई करके 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ने वाली हूँ। आप 1 घंटे से कम और आधे घंटे से ऊपर इसको छोड़ें। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज है, बिल्कुल स्मूथ सिल्की नहीं है, तो आप हफ्ते में 2 बार एग लगाइए। मैं अभी हेयर को वॉश करूँगी तब आप देखना कि मेरे हेयर कितने सिल्की हैं। मोस्टली लोग मुझसे ये तक पूछते हैं कि मैंने रिबॉन्डिंग कराया है या कैरेटीन कराया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बस ये लगा के अपने हेयर को इतना स्मूथ एंड सिल्की कर लेती हूँ। इससे मेरे बाल बिल्कुल डैमेज को कंट्रोल कर लेता है एंड बहुत ही शाइन आप देख सकते हैं। इसमें जो मैंने इन्ग्रीडियंट ऐड किए ये उसका रिजल्ट है। मैंने हेयर वॉश करके अपने हेयर को फील किया कि कितने ज़्यादा चेंजेस मेरे हेयर में हुए हैं। तो ये रेमेडी आप भी ट्राई करिए। और जैसे कि मैंने आपको कहा, हर वीडियो में मैं कुछ रिव्यू करने वाली हूँ, तो आज मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ के विटामिन सी फेस वॉश के बारे में एंड बाय बाय ब्लेमिश फेस क्रीम के बारे में। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है फेस वॉश। ये फेस वॉश बहुत ही ज़्यादा स्किन को इम्यूनेशन के लिए हेल्प करता है। मैं सिंगल एप्लीकेशन में इसका रिजल्ट आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरा फेस कितना ज़्यादा ब्राइट हो गया है। इसको अप्लाई करने के बाद फेस में बहुत जगह कालापन जो था वो हट गया है। फेस को वॉश करने के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ बाय बाय ब्लेमिश फेस क्रीम, जो कि मलबेरी एक्सट्रैक्ट एंड विटामिन सी से बना है। ये अन ईवन स्किन टोन को क्योर करने में हेल्प करता है। ये प्रोडक्ट्स पैराबेन एंड सिलिकॉन फ्री है एंड ऑल स्किन टाइप सुटेबल। जब भी आप मामा अर्थ से कोई भी प्रोडक्ट बाय करते हैं तो ये अपने वेबसाइट से आपके ऑर्डर को एक ट्री जो ये प्लांट करते हैं उसके साथ लिंक करते हैं और उसका एग्जैक्ट जियो लोकेशन, पिक्चर और स्पीसीज आपको सेंड करते हैं। हाल ही में मामा अर्थ ने लॉन्च किया है अपना ऑफिशियल ऐप जिससे यूजर को मिलेगा अर्ली एसेस सेल एंड एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ये प्रोडक्ट आपको मामा अर्थ, नाइका, अमेजन एंड पर्पल पे मिल जाएगा। इस प्रोडक्ट को बाय करने के लिए आप मेरा कोड KITTU2021 यूज कर सकते हैं जिससे आपको 20% का ऑफ मिल जाएगा। एंड इस प्रोडक्ट को यूज करके कॉमेंट पे बताना ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।